विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे देश में निकल रही शौर्य जागरण यात्रा के गोरखपुर कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष व श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने लिया भाग। कहा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी लोग अपने घरों के सामने जलाएं दीपक। जनपद में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार अभी जनपद में 2 दिनों तक होगी छिटपुट वर्षा। जरूरत ना हो तो ना निकलें घर से बाहर। जिला सहकारी बैंक के सभापति विजय प्रताप सिंह मीडिया से हुए रूबरू। कहा कि पीएम मोदी ने सहकारिता विभाग को कृषि विभाग से अलग कर किया है बड़ा काम। गोरखपुर में अभी तक बैंक के ग्राहकों को 20 करोड़ रुपए का हो चुका है भुगतान। ग्राहकों का पैसा बैंक में है सुरक्षित। ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा कर्मियों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। कहा मांग पूरी करे सरकार। 8 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे अपनी आवाज। नगर निगम के द्वारा महानगर में रात्रिकालीन चलाया जा रहा है सफाई अभियान। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की करवाई जा रही है सफाई। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने दी जानकारी। एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद के नेतृत्व में यातायात चौराहे पर चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। यातायात नियमों की अनदेखी व बिना सिटी परमिट शहर में चल रहे ऑटो चालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई। गोरखपुर शहर में 20 बुखार पीड़ितों में डेंगू की हुई पुष्टि। जिला अस्पताल में हुई जांच में कोराबार निवासी 6 साल के मासूम समेत 18 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू से बचाव के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक।